क्लब स्टूडियो के जो जितने भी वीडियोस आते हैं अब तक मैंने वो सब वीडियोस फॉलो किए हुए हैं। ये रश्मि बहुत अच्छा बोलती है, वो बहुत प्यारा हंसती है, उसकी हंसी भी बहुत अच्छी होती है और वो जो बोलती है वो भी सच होता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगी कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, जो वो एपिसोड में रियल लगेगा उसको वही वो बताती है। इसके लिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो एकलव्य स्टूडियो को फॉलो करती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एकलव्य स्टूडियो को फॉलो कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहती, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे हुए हैं, कुछ लोग बातें करते हुए सोशल मीडिया पे देखे हुए हैं कि जो अंदर गए हुए लोगों के बारे में बुरा बुरा कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके बारे में अश्लील बातें करते हैं। मैं अगर ऐसा बार बार होता रहा, ये आइंदा से आगे से भी होता रहा ये सब, तो डेफिनेटली एज अ मदर मुझे बहुत बुरा लगेगा और उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगी। और ये बात उन लोगों के लिए नहीं है सिर्फ, जो भी कोई अगर गंदा बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो उन सब लोगों के लिए है कि गलत मत बोलो, गलत रिव्यू मत दो। गलत रिव्यू नहीं, अगर आपको लगता है कि 100% सही गलत है तो आप बोलो कि सही गलत है। अगर आपको लगता है रेशम गलत है, अस्ताद गलत है, मेघा सही है, पुष्कर सही है, तो वो बोलो ना। आप जो आपको दिखाई देता है, वो आपको लगता है, वो आपको पूरा आपको फ्रीडम है कि आप आपका रिव्यू दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में गंदा बोल सको। मैं आपको भी, रश्मि जी आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ, आपने अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन आगे जाके भी आप किसी के बारे में भी गंदा नहीं बोलेगी, क्योंकि ये घर वालों को बहुत हर्ट होता है, सबके घर वालों को हर्ट होगा, तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। तो मेरी आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ मत कीजिए। लोगों को बुरा वो अंदर गए हुए लोग कितने बुरे हैं ये कहने का आपको किसी को हक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आपको लास्ट रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज द क्लब स्टूडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।